12 देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है इफ साइन बी प्लस सी माइनस ए, फिर कॉमा दिया है साइन सी प्लस ए माइनस बी, फिर कॉमा साइन ए प्लस बी माइनस सी आर इन एपी। ये एपी में है तो कॉट ए कॉट बी और कॉट सी किस में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा, एपी में होगा या नॉन ऑफ दिस, चलिए देखते हैं। ये एपी में है तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन सी प्लस ए माइनस बी फिर माइनस साइन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू में साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस साइन सी प्लस ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, एपी में है इसलिए। तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस बी प्लस सी माइनस ए बाई टू साइन ए माइनस बी बाई सी माइनस डी बाई टू, यानी कि हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी और माइनस करेंगे तो यहाँ साइन सब पर चेंज कर देते हैं बी माइनस सी प्लस ए बाई में टू इक्वल टू में, यहाँ पे भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाते हैं, तो हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी माइनस सी प्लस में सी प्लस ए माइनस बी बाई में टू और फिर साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए प्लस बी बाई टू। चलिए अब अगले स्टेप में देखिए, हम लोग टू से टू यहाँ पहले ही काट देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ बी से बी कट जाएगा, आपका ए से ए कट जाएगा, टू सी बाई टू यानी कि कॉस सी हो जाएगा, इन टू में साइन यहाँ पर देखिए आपका, देखिए यहाँ सिर्फ सी से सी कटेगा तो टू ए और टू सी हो जाएगा, टू ए और टू बी हो जाएगा, टू कॉमन करेंगे टू से टू कट जाएगा, आ जाएगा ए माइनस बी। चलिए फिर यहाँ देखिए कॉस, यहाँ पर देखिए आप ये बी से बी काट दीजिए, सी से सी काट दीजिए, ए टू ए बाई टू यानी कि ए आ जाएगा, और यहाँ पर साइन साइन देखिए क्या होगा, यहाँ ए से ए कट जाएगा, टू बी और टू सी होगा, टू कॉमन कर लेंगे टू से टू कट जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा। अब दोनों जगह यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस सी इन टू में साइन, इसका ए साइन ए माइनस बी का क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, और इक्वल टू में यहाँ कॉस ए इन टू में यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन बी साइन कॉस सी साइन बी कॉस सी माइनस का कॉस बी साइन सी, ये ना हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस माइनस कॉस ए साइन बी कॉस सी, यहाँ पर देखिए क्या होगा, कॉस ए साइन बी कॉस सी और माइनस का यहाँ हो जाएगा कॉस ए कॉस बी साइन सी। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी से भाग देने पर, ये भाग देने का काम करते हैं, सॉरी डिवाइड करने पर, मैं हिंदी में लिखता हूँ सॉरी, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, साइन ए कॉस बी कॉस सी बाई में कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी कॉस सी बाई में कॉस ए कॉस बी कॉस सी इक्वल टू में कॉस ए साइन बी कॉस सी बाई में कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस, यहाँ पे होगा कॉस ए कॉस बी साइन सी बाई में कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए कॉस बी कॉस सी वाले ये टर्म कट जाएंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, टेन ए हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए कॉस ए कॉस सी कट जाएगा, टेन बी हो जाएगा, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर आ जाएगा tan b और यहाँ आ जाएगा, देखो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे भी आप काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखिए cos a cos b कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan c,
ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें अगर हम लोग माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा टेन बी माइनस टेन ए इक्वल टू में टेन सी माइनस का टेन बी। हमें कॉट ए कॉट बी कॉट सी के बारे में बात करना था, तो इसको आप वन बाई कॉट ए कॉट बी कर सकते हैं, इसे वन बाई टेन ए सॉरी वन बाई कॉट ए कर सकते हैं, ठीक है। इधर आप इसे लिख सकते हैं वन बाई कॉट सी, और इधर लिख सकते हैं वन बाई कॉट बी। तो ये हम लोग देख रहे हैं किसमें हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वन बाई ए टू माइनस वन बाई ए वन इक्वल टू वन बाई ए थ्री माइनस वन बाई ए टू के फॉर्म में हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी जो है ना आर इन एच पी, ये एच पी में है ना। हम लोग जानते हैं ना कि एपी में कब होता, एपी में जो टर्म होते हैं अगर उनके रिसिप्रोकल है ना, अगर ए वन ए टू ए थ्री तीन टर्म ऐसे हों जिनके रिसिप्रोकल का डिफरेंस इक्वल हो रहा है तो एचपी में ना होते हैं जी, तो एचपी में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। समझे क्वेश्चन।